मेरे साथ हैं शहीद विजेंद्र सिंह के बेटे विपिन अगाना। विपिन, जब विजेंद्र सिंह शहीद हुए उस वक्त आपकी उम्र कितनी? हाँ, उस वक्त मेरी उम्र 13 साल थी और छोटा भाई था वो मेरे से 2 साल छोटा, 11 साल थी। उस टाइम तो हमें कुछ नहीं पता था, सिर्फ हमें ये था कि गोली लगी है तो घर की क्या जिम्मेवारी है। उस टाइम तो हमें इस बारे में कोई मतलब नॉलेज नहीं थी कि भाई अब हमें क्या करना है, तो उस टाइम बस ये था, दुख था। सबसे बड़ा बलिदान होता है पिता का सर पे हाथ होना, साया होना, बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपके अंदर ज़रूर इस बात का गर्व रहा होगा कि आपके पिता ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया, वो सारे देश के लिए उनका बलिदान था। हाँ, उनके उनके बलिदान से हम हमेशा कहीं भी जाते हैं तो हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कहीं भी जाते तो हम अपना सीना ठोक के बताते हैं कि हम उसके बेटे हैं। अच्छा, ये तो उन्होंने तो अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया, लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदारियाँ आती हैं, जो सरकार की जिम्मेदारियाँ थी, वो क्या पूरी हुई? जो वादे थे आपकी तरफ किए गए थे वो सब पूरे हुए? हाँ, सरकार की तरफ से लगभग सारे वादे पूरे हो गए थे, तो 1.5 सवेर हुए लेकिन वादे पूरे। हमें सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, सरकार का एक प्रोसीजर होता है, वो उस हिसाब से अपना जो काम कर रहे थे। तो बाकी इस चीज़ का हमें सरकार के लिए सबसे ज़्यादा दुख रहा कि अफजल को इतना टाइम के बाद उसको फांसी दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इसको फांसी है, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो टाइम लिया वो गलत है। अगर साथ के साथ अगर वो उसको फांसी दे देते तो एक देश में अच्छा मैसेज जाता कि देश में अगर कोई भी हमला करेगा तो उसका ये हश्र होगा। तो चलिए, ये जो परिवार के लोग हैं इनका मानना है कि सबसे बड़ा बलिदान दिया उनके परिवार के लोगों ने, लेकिन उसके बाद के जो संदेश थे वो कड़े जाने चाहिए थे। कैमरामैन अश्विनी ठाकुर के साथ रमन अमगाई, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली।